अज सीमा फरतियाल भैन का घर लभ्या। तो अभी कितना टाइम हो गया गए हुए? 3 साल हो गए होंगे। घर छोड़ के तो नहीं आते, ये तो मेरे को भी पता है। घर छोड़ के नहीं आते, अब कोई मेरे को दिखाई नहीं रहा। मेरे को 10-12 दिन हो गया खाना ही नहीं खा रही, कोई कह भी नहीं रहा कि खाना खा दे। अरे हॉस्पिटल से नहीं जान देते भैया। भैया तो आप समझते भाई, मेरे को एक बार माफ कर दो, गलती हो गया। मैं कैसी गलती होगी, माफ कर दो, आज से ऐसा कभी नहीं करूंगी भैया। पापा को ठोकर से मारा? भगवान की कृपा है, आप मिल गए हो हमें, आपका नंबर मिल गया है। तो हमें ऐसा नहीं है, अभी ये लावारिस है, इसका घर मिल गया। हमें ये खुशी है इस बात की भी, सीमा फरतियाल की फैमिली है। ये बात कीजिए, प्रणाम करो दोनों हाथ जोड़ के। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आप सीमा फरतियाल के क्या लगते हो भाई? भाई हो, आपका क्या नाम है? दीपक फरतियाल। दीपक जी, सीमा बहन कब घर से कब गई थी? थाने में रिपोर्ट किया था आपने? अच्छा, काफी बार चले गए घर। तो अभी तो जैसे आप बोल रहे हो काफी बार घर से जा चुकी है, तो अभी कितना टाइम हो गया गए हुए? 3 साल हो गए होंगे। अल्मोड़ा से महिला आश्रम में थी ये। ठीक है भाई, अभी हमारे पास भी जहाँ पे जी आश्रम में है, मनुष्यता की सेवा सबसे बड़ी सेवा, मानुष की सेवा सबसे बड़ी सेवा। तो वहाँ पे अभी हमें ये लड़की मिली थी, तो आप बात कीजिए इसके साथ। बात कीजिए। सीमा कौन है? भाई दीपक भैया से बात करो। दीपक भाई से बात करो। हेलो भैया, प्रणाम। ये तबीयत खराब हो रही है भैया मेरे, यहाँ ना ये पेट में दर्द हो गया, ऐसे रोटी में रोटी खाई वैसे ऐसे ही दर्द हो गया। अच्छा, तो चंपावत से? हाँ, वहाँ मेरे ऐसे ही वो हो गया था, पेट में दर्द हो गया था। हाँ ऐसे ही वो, और आँख भी नहीं दिखाई दे रहे थे, कान भी सुनाई नहीं दे रहा था। हाँ, तो घर से क्यों गई थी? तो बाहर तो घर तो को दिखाई नहीं, मेरे को कोई दिखाई नहीं रहा था। मैं उस दिन दवाई दे रहे थे, अब मैं जा रही थी, मेरे को भी नहीं जाने देते थे। बस इस, हाँ वो इसीलिए आई नहीं, बहुत तो कुछ वो नहीं है इसलिए आई। तो घर छोड़ के तो नहीं आते? घर छोड़ के तो नहीं आते, ये तो मेरे को भी पता है। घर छोड़ के नहीं आते, अब कोई मेरे को दिखाई नहीं रहा। मेरे को 10-12 दिन हो गए खाना ही नहीं खा रही, कोई कह भी नहीं रहा कि खाना खा दे, खाना क्यों नहीं खा रही करके। तब की बात है? कब की? हाँ तब की है भैया जी, मेरे आँख देख के जब घर से निकली। हाँ, आँख भी नहीं दिखाई दे रहे थे और सुनाई भी नहीं दे रहा था। तू भाई को बताती बेटा, घर थोड़ी छोड़ते हैं। हाँ वहाँ गई, दिल्ली गई एक बार, उधर ही से गई वहाँ। सब ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। माँ? मम्मी ने। पापा? पापा है, पापा भी वहीं रहते हैं। पापा पूछो है घर पे? पापा भी यही है भैया। अरे वो बस यही परेशानी है, पेट में दर्द हो रहा था। तेरे तो ऊपर ही वहीं तो हॉस्पिटल है, कौन सी दूर में हॉस्पिटल? वहाँ चंपावत में? वहाँ हॉस्पिटल तो है, कोई दिखाए तो तभी तो कोई नहीं दिखा था। तो कोई नहीं दिखा था तो फिर घर से लड़की भागी तो वहाँ जा सकती है? वैसे इतनी दूर वहाँ हॉस्पिटल जाने में क्या हो रहा था तेरे को? अरे हॉस्पिटल से नहीं जान देते भैया। भैया तो आप समझते हैं, मेरे को हॉस्पिटल है वहाँ पे, वहीं ना नहीं तो वहाँ से क्यों भाग आती फिर? मैं वहाँ दिखाते तो वहाँ से क्यों आती मैं? तो क्यों आई फिर तू?
मैं क्यों आई? आई इतना चीज बता रही हूँ भाई। अच्छा ऐसा आपके पेट में दर्द होता ना, आप भी फिर ऐसा ही करते। लोहा घाट में है, वहाँ भी गीत दिखाया मैंने, वहाँ लोहा घाट में। बाथरूम, हाँ बाथरूम भी गई थी, बाथरूम भी गई थी, बाथरूम। क्या भाई माफ कर, वही तो जाती हूँ ना बाथरूम। क्या भाई माफ कर दो मेरे को, बाथरूम का वहाँ से क्यों गई फिर भाई तो उधर? और वहाँ वाली बात नहीं है भैया, आप समझ नहीं रहे हो। क्या भाई मेरे को एक बार माफ कर दो, गलती हो गया। नहीं बात तो जाती हूँ भैया, गुस्सा करके फिर आएंगे नहीं वो, उनको बोलो कि भैया माफ कर दो, गलती हो गया मेरे से, आ जाओ। तो मैं कैसे गलती होगी, माफ कर दो, आज से ऐसा कभी नहीं करूँगी भैया। नहीं अब नहीं करती, पहले अब इतना समझ नहीं था ना मेरे को, अब तो पहचानने लगी सब कुछ, अब नहीं करूँगी ऐसा। तो क्या करें फिर आप? मेरे को दिखा दो भैया अब यहाँ के, मेरे को ले जाओ भैया यहाँ, यहाँ को, यहाँ भी ऐसा ही है, कोई कितनी बार दिखाएंगे यहाँ भी, दिखा दो। मैं ठीक हो जाऊँगी ना, मैं कह रही भैया मैं ठीक हो जाऊँगी तो घर चली जाऊँगी ना, तुम मैं कौन सा बोझ, तुम मैं कोई बोझ वोझ नहीं बन रही, बस मेरा पेट दर्द हो रहा, बस ये ठीक कर दो बस। घर में नहीं आने देंगे तो घर में नहीं आने देंगे, मैं यहीं रहूंगी। सॉरी मैं यहीं, सॉरी भैया मेरे को, भैया सॉरी मेरे को माफ कर दो, गलती होगी मैं कैसे। हेलो हेलो, हाँ जी भाई। अच्छा ये ना इसका क्या है कि इसके शादी हुए कम से कम 15-20 साल हो गए हैं। शादी हुए? शादी हुए 22 साल, बड़ा लड़का 22 साल का इसका, 20 साल का है, 19-18 साल। ओके, दो बच्चे हैं। इसका घर वाला कहाँ पे है? घर वाला भी वही है, चंपावत में। चंपावत में अभी इसका अभी कुछ नहीं, ये पांचवा छठा हुआ है। हाँ घर नहीं जाना, पहले भी करते थे, पहले इसको तो हम ढूंढ डांट के भी आते थे। मैं तो यही कहूंगी ठीक है, कभी इसको इसके घर पहुंचा दिया चंपावत, फिर दोबारा वहां से घूमने जाते थे। अभी यहाँ मैं एक बार अपने साथ दिल्ली रखा 1-2 साल मैंने, और एक एक घर तो इसकी हमेशा ही हुई है, बनाई नहीं है, पहले से ही है। नहीं नहीं पेट दर्द नहीं होता इसका, दिमाग की प्रॉब्लम है उसी वजह से बोलती है जी। पेट में भी दर्द होता है, दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे को, साफ से नहीं दिखाई देता जी। तो अब क्या किया, हम यहाँ आए, यहाँ ठीक ठाक हो रहा था, अब इसने क्या किया, पापा को एक कुकर से मार दिया। पापा को कुकर से मारा? हाँ कुकर से, कैसे से? कुकर कुकर से नहीं मारा, झूठ बोल रहे ये, मैं क्यों मारूंगी कुकर से? सीढ़ी से भी धक्का दे दिया पापा, पापा को तूने? नहीं नहीं खाली कर दे, धक्का दे दिया, क्यों मारूंगी पापा को? मैं तो मारती हूं पापा को। अब हमारे हैं छोटे बच्चे, उसने तो मेरे बाल पकड़ दिया, ये कह रहे घर के लिए जाते भैया जी, वो खाने को कोई दे तो ना, उन्हें रोटी जैसे कुछ मांगूंगी तो है ही नहीं, कहेंगे हम मेरे पास ना कहाँ से लाऊं, ऐसा कहते हैं। पहले तुम चुप रहो, मेरे को उनसे बात करने दो, पहले चुप कर जाओ। अब मेरी टोटल इसको मिला के 5 बहने हैं। हाँ जी ठीक है, अब एक कह रही है चलो मैं ले आऊँ, अगर किसी को कोई लाए तो उनके घर में रिलीज हो जाता है, और एक बार तो इसने कह के भी यहाँ से दिल्ली तो हमारी सबकी रिपोर्ट लिखवा दी इसने। बाकी 4 बहन है जो वो खुश है अपने घर पे? हाँ वो ठीक है, सब ठीक है, 4 बहन है। तो इसका पति है जो वो क्या काम करता है इसका पति? इसका हस्बैंड वही दुकान है इनकी चंपावत में। किस चीज की? फल फ्रूट परचून अर्चन की दुकान है। परचून अर्चन की, वो समझता है इसको, वो अपना लेता है, अपनाएगा इसको? नहीं नहीं वो नहीं अपनाएंगे जी, इसे वो भी नहीं समझता। अगर वो समझता तो बात ही होती। तो अभी क्या बोलते हो फिर आप? देखो रहने वाली होती है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, अभी सारे रास्ते बंद हैं। हाँ अभी हर बार ये चीजें कहती है कि जी मैं वो कर लूंगी, उसके बाद मतलब मैं काफी बार एक बार दो बार 3 दो 3 घंटे तो वहाँ लाया, या मैरून लाया, तो यहाँ 2-3 बार लाया इसको,
ये नहीं रुकी इसकी मतलब अब क्या कहें, बहन को क्या बोल सकते हैं। चलो पहले तो भगवान की कृपा है, आप मिल गए हो हमें, आपका नंबर मिल गया है, तो हमें ऐसा नहीं है अभी ये लावारिस है, इसका घर मिल गया, हमें ये खुशी है इस बात की भी सीमा फरतियार की फैमिली है। और हम आपको यही विनती करते हैं, आप एक बार आइए, मिलके जाइए, कोई बात नहीं लेके मत जाना, आप मिलके जाइए आकर। और ये भी जाना नहीं चाहती इधर रुकेगी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 126 भी और भी बहनाएं हैं लुधियाना में। ये वीडियो कॉल पे बार करवाता हूँ मैं आपसे, वीडियो कॉल उठाइए आप। हाँ जी नमस्कार 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 भाई, नहीं नहीं धन्यवाद भगवान का है, हमारा कौन सा धन्यवाद भाई, वो भगवान ने कृपा की है, उसी की वजह से हम लोग मिल पाए हैं, आपसे बात हो पा रहा है। तो जी बात कीजिए, सीमा जी नमस्ते करिए, प्रणाम करो दोनों हाथ जोड़ के। ये जहाँ पे हमारे पास और भी बीबी लोग हैं, बहन जी हैं, ये पूरा घर है हमारा, जहाँ पे ये मेरे माता जी हैं, ये सीमा फरतियाल के पापा हैं, और यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा घर भरा हुआ है हमारा। तो ये देखिए आप, तो आप को विनती है आप आइए मिलके जाइए इसको, सीमा को, सीमा अब हमारे पास है, हमें जब मिली थी ये लड़की तो बहुत बुरी हालत में मिली थी, तो अभी तो वो ठीक है जी। जी तब ये यहाँ से मतलब है कि तो यहाँ से बिल्कुल चले गए एकदम 2021 में या 2020 में, 4 साल पहले। हाँ 21 में इसको बोला था घर चले जा, क्या बोलते हैं कोरोना का ज्यादा प्रभाव पड़ा हुआ था दिल्ली के अंदर। तो ये जो है सीधे मतलब यहाँ से चले गए जी, ये आई मतलब है कि दरवाजे तक बाहर चले गई जी। और इसको जो है क्या नाम बोलते हैं मतलब लोहाघाट की किसी गाड़ी में बैठा था जहाँ हमारा घर है और इसका ससुराल है जी। तो उसके बाद जो है आज जो आज ये पहली बार मतलब है कि तब से ये आपसे जो मुलाकात जो अभी आपने करवाई है ये आपके थ्रू ये आज हुई है। चलो कोई बात नहीं, भगवान अच्छा करेगा, सीमा सेफ जगह पे है, हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है, हमारी बहन है, तो इधर हम पूरा इसका ख्याल रख रहे हैं। तो आप भी आइए इसको मिलके जाइएगा, और इसका पूरा डिटेल भेज दीजिए, इसका पुराना फ़ोटो भेज दीजिए कोई, और इसका आधार कार्ड का फ़ोटो भेज दीजिए हमें, तो इसका जो जब इसका शादी हुआ था तब की जो फ़ोटो होगी आपके पास वो फ़ोटो भेज दीजिए हमें इसी नंबर पर, ताजो हमें तसल्ली हो जाए भी हाँ जैसी मई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। गोपाल फरतियाल जी, गोपाल सिंह फरतियाल। गोपाल सिंह फरतियाल, ठीक है गोपाल सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी हुआ आपसे बात हुआ, धन्यवाद। अभी तो और हो गया ना, अभी तो और सरदार लोगों के साथ आपका गहरा संबंध हो गया, क्योंकि ये हमारी बहन है, ये हमारी बहन है और हमारे पिता समान हो जी। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ठीक है।
आप सीमा से बात कीजिए, सीमा से बात कीजिए, सीमा बात करो पापा से। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह जी। 16/7/2024 नूं भैण सीमा फतियाल सानू मिले सी, बहुत ही माड़ी हालत दे विच। धन्नवाद सी उन्हां वीरां दा जिहड़े वीर इत्थे साडे कोल लै के आए। ये भैन खेतां दे विच घूमदी सीगी, मैंटली अपसैट सीगी, ते उत्थों वीर साडे कोल लै के आ गए। उस तों बाद असीं इहदी वीडियो सांझी कीती तां सानू इक परिवार मिलिया, उह कहिंदे जी इह तां साडी आ। वी मैनू इह अज तों 3 साल पहलां बहुत माड़ी हालत फलाने स्टेशन तों मिली सीगी, मैं इहनू आपदे घर लैया, इहदा घर लभिया नहीं, फिर इह मेरे कोल रहिण लग गई। वी हुण 2 सालां तों इह मेरे जवाक नूं सांभदी आ, वी साडी रोटी पाणी लाउंदी आ। एज ए मेरी पत्नी मेरे घर रह रही, असीं पुछिया वी तूं विआह कराया इहदे नाल, नहीं कहिंदा विआह तां नहीं कराया। वी मैं कहा तूं इहनू घर नहीं लै के गया, कहिंदा जी इह कहिंदी मैं जाणा नहीं। असीं इहनू पुछिया, इह कहिंदी सानूं मैनूं जाण नहीं सी दिंदे, मैं तां ही भज के आई हाँ घरों, वी मैं घर जाणा चाहुंदी सी, इह जाण नहीं सी दिंदे घरों। तां फिर असीं उह वीर नूं इत्थों काफ़ी घूरिया वी, लाणतां वी पाईआं, इत्थों भेजिआ वी असीं तेरे नाल नहीं भेजणी इह, वी तूं इहनू कहिड़े हक नाल लै के जाएगा, तेरी की लगदी है। फिर उस तों बाद इहदा घर लभण लई कोशिशां जारी होईआं। अज सुभाष जी वल्लों कोशिश कीती गई है, धन्नवाद आ सुभाष जी दा बहुत बहुत, जिन्हां ने इह उपराला कीता। अज सीमा फरतियाल भैण दा घर लभिआ। सुभाष जी उह मैंबर ने जिन्हां ने हुण तिकर सुपनिआं दे घर दे किन्ने ही मैंबरां दे घर लभे आ। अश्विनी बाई जी साडे परिवार दे मैंबर ने इत्थों ही, उहनां ने वी हुण तिकर सैकड़े मैंबर घरां 'च भेजे आ। पर हुण पिछले साल 1.5 साल तों सुभाष जी भी एक इंडिविजुअली अपने वालों एक सेवा करते ने, जो भी साड़ी वीडियो देखते हैं उतो एड्रैस सुनते हैं कोई तो उन्होंने लभना शुरू कर देंगे ने। तो अज सीमा फरतियाल जी के घर तकर भी सुभाष जी ने अप्रोच की, और भरा का नंबर सानू सेंड किया। तो हुण सीमा के पापा नाल भी गल हुई है, सीमा के भरा नाल भी गल हुई है। अरदास करो सीमा भैन का आने वाला जीवन खुशियां भरिया हो। परिवार दसदा इहदा विआह होया वा, 19-20 साल का मुंडा वा, एक 22 साल पहला इहदी मैरिज होई सी, एक बेटी इहदी 15-16 सालां दी। अगे भी कहिंदे घरों चले जांदी आ, 3-4 वारी जा चुकी आ, हुण भी चौथी बार घरों भज्जी आ। इह भी इहदा दिमाग जदों हुंदा इदां ते घरों निकल जांदी आ। अगे भी कई महीनों बाद किसी आश्रम तों मिली सी कि कहिंदे, ते हुण भी उह आ रहे आ, कहिंदे असीं आवांगे मिलण, पर कहिंदे इह ठीक नहीं हैगी, इह घरों भज जांदी। पर गल तो उही आ ट्रीटमेंट की, भी जे घरों भज जाती है तो है तो साड़ी अपनी आ, घर वाला केयर नहीं करता, भरावां दा तो फर्ज बनता ना, भी फिर वो फर्ज निभाउण। चलो जो पिछे होया महाराज नूं पता, पर अगों चंगा होवे अरदास करो, परमात्मा सानू बलबुद्धि बख्शण, असी सीमा भैन दे नाल खड़ सकीए, सीमा भैन दे आने वाले जीवन च कुछ चंगा हो सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी।